वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा ये बेबी सेट लेके आई हूँ। जो ये बेबी स्वेटर है, इसके मैंने 5 पार्ट चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने उन पार्ट को नहीं देखा है तो आप चैनल पर चेक कर सकते हैं। सभी पार्ट मैंने स्टेप बाय स्टेप बुने हैं। आज हमारा है पार्ट 6। पार्ट 6 में हम ये बेबी कैप बनाएंगे इस बेबी सेट के साथ। बहुत ही प्यारी सी एक बेबी कैप बनी है और इसको मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप वीडियो में बनाना बताया है। 1 साल से लेके और 2.5 साल 3 साल के बच्चे को आराम से आएगी। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बनाना बताया है। तो वीडियो, आज के वीडियो में हमारा ये पार्ट 6 रहेगा। कैप में कितने फंदे लें, कैसे डिजाइन डालें, कितनी लेंथ रखें और कैसे इसकी घटाई करें और इस पोम पोम को हम किस तरह से बनाएं। बहुत ही प्यारा सा इस तरह से हमारा ये बन के आया है। तो आज की वीडियो में मैं आपको इस कैप को स्टेप बाय स्टेप बनाना बताऊंगी। अगर आप इस बेबी सेट को बुनने में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। बहुत ही प्यारी सी ये कैप हमारी बनी है। तो चलिए इसको बुनना शुरू करेंगे। तो देखिए, इस कैप की लेंथ को मैंने बना लिया है। इस कैप में मैंने यहाँ पे देखिए 85 यानी 85 फंदे मैंने डाले हैं यहाँ इसके बॉर्डर में, और 12 सिलाइयों का मैंने ये बॉर्डर बनाया है। दोनों तरफ से उल्टे उल्टे बनाते हुए बॉर्डर बनाया है। फिर मैंने इस डिजाइन को डाला है। डिजाइन डाल के ऊपर मैंने ये डिजाइन हमारे 1 2 3 4 5 6 7 डिजाइन मैंने ये डाले हैं। डाल के ऊपर के पार्ट को मैंने प्लेन बुना है, जैसे मैंने स्वेटर में बुना है, और ये डिजाइन मैंने स्वेटर में स्टेप बाय स्टेप बनाना बताया है। स्वेटर के साथ की मैचिंग कैप हम बनाएंगे। तो देखिए, इसकी लेंथ को मैंने यहाँ से अगर हम इसको इंची टेप से नापेंगे तो ये पूरा 6 इंच हमने बना के तैयार किया है। अब हम इस कैप की घटाई करेंगे। तो देखिए, घटाई किस तरह से करेंगे। 85 फंदे यानी 85 फंदे हैं। तो देखिए कैसे बनाएंगे। फर्स्ट फंदा उतारेंगे, 1 2 3 4 5 6 फंदे बुने, फिर 2 का 1 किया, फिर से 6 फंदे बुने, 1 2 3 4 5 6 फिर से 2 का 1 किया, फिर से 1 2 3 4 5 6 फिर से 2 का 1 किया, फिर से 1 2 3 4 5 6 फिर से 2 का 1 किया, फिर से 1 2 3 4 5 6 फिर से 2 का 1 किया। तो इसी तरह से पूरी रो को बुनेंगे। 6 फंदे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 फिर से 2 का 1 करेंगे। तो पूरी रो को हम इसी तरह से बुन लेंगे। 6 फिर से 2 का 1। अब लास्ट में हमारे पास बचे हैं 5 फंदे, 1 2 3 4 और 5। तो ये सीधी तरफ से हमने फंदे घटाए हैं। अब देखिए, यहाँ से पूरी सिलाई को हम उल्टा उल्टा बनाएंगे। यहाँ पर कोई भी फंदा हम नहीं घटाएंगे, फंदे हमारे सिर्फ सीधी तरफ से ही घटेंगे। तो यहाँ से पूरी रो को हम उल्टा उल्टा इस तरह से बुन लेंगे। तो ये पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुन लिया। अब आ जाइए सीधी तरफ। तो अब फिर से हम फंदे घटाएंगे। तो यहाँ पर अब आप ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट रो में फंदे घटाए जब हमने 6 फंदे बुने थे, फिर 2 का 1 किया था। अब यहाँ पर 5 फंदे बुनेंगे, 1 2 3 4
और पांच। अब देखिए दो का एक करेंगे, ऐसे दो का एक बनाएंगे। अब फिर यहां पर पांच फंदे बुनेंगे। फर्स्ट रो में फंदे कटाए तब हमने छह फंदे बुने थे। अब यहां पर दो, तीन, चार, पांच। अब ये फंदा और ये दो का एक वाला फंदा है, इनका दो का एक बनाएंगे। फिर से पांच फंदे बुनेंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच। फिर से दो का एक बनाएंगे। तो इसी तरह से इस रो को हम बुन लेंगे। फर्स्ट रो में छह फंदे बुने, फिर दो का एक किया। अब की सिलाई में हम पांच फंदे बुनेंगे, दो का एक करेंगे, पांच फंदे बुनेंगे, दो का एक करेंगे, फिर पांच फंदे बुनेंगे, फिर से दो का एक करेंगे। तो लास्ट तक ऐसे ही बुनते जाएंगे। दो का एक, फिर से पांच फंदे बुनेंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच। फिर से दो का एक बनाएंगे। फिर ये फंदे फिर से बना देंगे। अब उल्टी तरफ से पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुनेंगे। यहां से कोई भी फंदा नहीं घटाएंगे, फंदे हम सीधी तरफ से ही घटाएंगे। तो इस पूरी रो को ऐसे ही बुन लेंगे। तो उल्टी सिलाई को पूरी को उल्टा उल्टा बुन लिए। अब आ जाइए सीधी तरफ। फर्स्ट रो में हमने छह फंदे बुने, दो का एक किया, फिर पांच बुने, दो का एक किया। अब की बार चार फंदे बुनेंगे, इसको उतारेंगे, एक, दो, तीन, चार। अब देखिए यहां पर दो का एक करेंगे। ये अब आपको अलग से ये फली सी नजर आएगी जो दो का एक करेंगे। तो एक, दो, तीन, चार। अब फिर देखिए ये फली वाला फंदा है, इसे आगे वाले को लेके दो का एक करेंगे ऐसे। तो चार फंदे बुनेंगे, फिर से दो का एक करेंगे, दो, तीन, चार, फिर से दो का एक करेंगे। तो लास्ट तक हम इसी तरह से बुनते जाएंगे। चार फंदे बनाएंगे, दो का एक, फिर चार बनाएंगे, दो का एक, फिर चार बनाएंगे, दो का एक। तो ये पूरी सिलाई को बुन लिया, चार बुने, दो का एक, चार बुने, दो का एक। तो लास्ट में फिर उल्टी तरफ से पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बनाएंगे। यहां से कोई फंदा नहीं घटाएंगे, इसी तरह से इसको पूरी को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। तो ये पूरी रो को उल्टा उल्टा बुन लिया। अब फिर आ जाइए सीधी तरफ। तो अब देखिए फर्स्ट रो में छह फंदे बुने, दो का एक किया, फिर से सिलाई आई तो पांच फंदे बुने, दो का एक किया, फिर चार बुने, दो का एक किया। अब की बार तीन फंदे बुनेंगे, तो एक, दो, तीन। अब फिर से दो का एक करेंगे। अब आपको ये चैन सी अलग से नजर आएगी। फिर से एक, दो, तीन, फिर से दो का एक करेंगे। तो अब तीन फंदे बनाएंगे और दो का एक करेंगे, एक, दो, तीन, फिर से दो का एक करेंगे। इस तरह से बना लेंगे। तीन बुनेंगे, दो का एक, तीन बुनेंगे, दो का एक। लास्ट तक इसी तरह से फंदे घटाएंगे। तो पूरी सिलाई को बुन लिया। अब आ जाइए उल्टी तरफ। यहां से पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुनेंगे, कोई फंदा नहीं घटाएंगे। तो उल्टी तरफ से पूरी सिलाई को बुन लिया। अब आ जाइए सीधी तरफ। तो एक और दो, अब दो फंदे बुनेंगे, फिर दो का एक करेंगे, फिर से एक, दो, फिर से दो का एक करेंगे, फिर से एक, दो, दो फंदे बुनेंगे, फिर दो का एक करेंगे, फिर से दो फंदे बुनेंगे, एक, दो, फिर से दो का एक करेंगे। तो लास्ट तक पूरी रो को इसी तरह से बुन लेंगे। तो सीधी तरफ से पूरी सिलाई को बुन लिया। अब आ जाइए उल्टी तरफ। यहां से पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुनेंगे। उल्टी तरफ से हमारा कोई फंदा नहीं घटता, फंदे हम सीधी तरफ से ही घटाते हैं।
तो ये पूरी सिलाई को उल्टी तरफ से बुन लिया। अब आ जाइए सीधी तरफ। तो अब देखिए यहाँ पर एक फंदा ही बुनेंगे, अब यहाँ पर दो का एक करेंगे, फिर एक फंदा बुनेंगे, फिर से दो का एक करेंगे, फिर एक फंदा बुनेंगे, फिर से दो का एक करेंगे, एक फंदा बुनेंगे, फिर से दो का एक करेंगे। देखिए ये हमारा चैन वाला फंदा है, इससे आगे दो फंदे हैं तो एक फंदा हम बुन लेंगे, एक फंदा ये और एक ये, दो का एक वाला दो का एक करेंगे, फिर से एक फंदा बुनेंगे, फिर से दो का एक बनाएंगे, फिर एक फंदा बुनेंगे, फिर से दो का एक बनाएंगे, फिर एक फंदा बुनेंगे, फिर से दो का एक बनाएंगे, फिर एक फंदा बुनेंगे, फिर से दो का एक बनाएंगे, एक फंदा बुनेंगे, फिर से दो का एक बनाएंगे, लास्ट के फंदे बुन लेंगे। और बैक साइड से पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुन लेंगे, यहाँ से पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुनेंगे। तो बैक साइड से पूरी सिलाई को बुन लिए, अब आ जाइए सीधी तरफ। अब देखिए इस फली वाले फंदे के आगे एक फंदा ही है, तो यहाँ पर अब हम दो का एक बनाएंगे, फिर से ये एक फंदा है, एक फली वाला है, तो फिर से दो का एक बनाएंगे, फिर से दो का एक बनाएंगे। तो लास्ट तक हम इसी तरह से दो का एक करते हुए सभी फंदे बुन लेंगे, दो का एक बनाएंगे, फिर से दो का एक बनाएंगे, फिर से दो का एक बनाएंगे, ऐसे ही करते हुए पूरी रो को हम इसी तरह से बुनेंगे, फिर से दो का एक बनाएंगे, फिर से दो का एक बनाएंगे। अब ये लास्ट वाले फंदे भी हम दो का एक कर देंगे इस तरह से। अब आ जाइए उल्टी तरफ। अब देखिए यहाँ से सभी फंदे हम, अब हमारे पास दो चार छ आठ दस बारह, बारह फंदे बचे हैं, इन फंदों को हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे। तो बैक साइड से देखिए पूरी सिलाई को बुन लिया, ये हमारे दो चार छ आठ दस बारह, बारह फंदे हैं। अब देखिए इस धागे को थोड़ा सा लंबा काट लेंगे और इसको सुई में डाल लेंगे। अब देखिए यहाँ से एक एक करते हुए इन फंदों को हम इस सुई में डाल लेंगे। ये इस सुई में डाल के इसको इस तरह से निकाल लेंगे ऐसे, और इसकी इस तरह से नोट लगाएंगे, टाइट करेंगे इसको, और यहाँ पे नोट लगा के इसको पक्का कर लेंगे। इस तरह से इसकी नोट लगा के यहाँ पे इसको टाइट करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारी बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये घटाई हुई है। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। तो देखिए इसकी हम इस तरह से सीधी तरफ से ही सिलाई करते हुए जाएंगे, यहाँ तक हम इसको पिंक धागे से सिलेंगे, आगे के बॉर्डर को हम बॉर्डर वाले धागे से इसकी सिलाई करेंगे। तो देखिए दोनों पार्ट को इस तरह से कर लेंगे, सीधी तरफ से सिलाई करेंगे और बारीक टांके लगाएंगे ताकि पता भी नहीं चलेगा कि ये सिलाई कहाँ से की हुई है। एक बार यहाँ से डाल लेंगे, एक बार इस फंदे से डाल लेंगे, इस फंदे से डाल लेंगे,
फिर से इस फर्स्ट वाले फंदे से डाल लेंगे, फिर यहाँ से डाल लेंगे। इसी तरह से सिलते हुए इसकी फिनिशिंग के साथ हम सिलाई करेंगे यहाँ तक। पिंक धागे से आगे बॉर्डर वाले लाइन के अंदर लाइन मिलाएंगे, तो इसकी सिलाई करके फिर मैं दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक किस तरह से आएगी। तो देखिए सिलने के बाद हमारी कैप की फाइनल लुक इस तरह से बन के आई है। बहुत ही प्यारी सी बेबी कैप बनी है। अगर इसकी मैं आपको घटाई दिखाऊं गोलाई में करके, तो देखिए बहुत ही प्यारी सी इस तरह से हमारी घटाई हुई है। एकदम इक्वल घटाई बन के आई है। इस तरह से ये हमारा फ्लावर सा बन गया है फंदों का घटाई वाला। तो अब हम अगर आप इस पे लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे पॉम पॉम दोनों कलर का लगा सकते हैं, और आप इसको ऐसे ही रखना चाहते हैं तो आप ऐसे भी रख सकते हैं। तो चलिए मैं इस पे छोटा सा पॉम पॉम लगाऊंगी दोनों कलर का। तो देखिए किस तरह से बनाएंगे। दोनों धागे लेंगे ऐसे, और इन धागों को इन तीन उंगलियों के ऊपर से ऐसे लपेटेंगे। जितना मोटा पॉम पॉम आपको चाहिए इतने बार आप इसको लपेट सकते हैं इस तरह से। इस तरह से इसको लपेट लेंगे। पोम पोम लगाएंगे। अगर आप इसको बगैर पोम पोम रखना चाहते हैं तो आप इसको बगैर पोम पोम के भी इसको रख सकते हैं। तो देखिए ये काफी बन जाएगा इतना करने के बाद। अब इस धागे को हम यहां से कट कर लेंगे और इस तरह से इसके अंदर से यहां से निकाल लेंगे। इसके अंदर से निकाल के ऐसे यहां से करेंगे इसको, इस तरह से टाइट खींच लेंगे इस तरह से, और यहां से इसको डबल करके इस तरह से इसकी नोट लगाएंगे। काफी टाइट नोट लगाएंगे इसकी। इस तरह से नोट लगा के पक्का टाइट करेंगे ऐसे। दो से तीन नोट लगा देंगे ताकि ये लूज नहीं रहेगा इस तरह से। अब देखिए इसके दोनों सिरे हम काटेंगे। यहाँ से इसकी कटाई करेंगे और इसकी यहाँ से भी कटाई करेंगे। इसको इस तरह से बना के इसके गोलाई में इसकी छटाई करेंगे। अब इसके चारों तरफ से इसकी इस तरह से छटाई करके इसको इसकी शेप बना लेंगे अच्छे से। सभी पार्ट एक जैसे करेंगे इसकी कटिंग करने के बाद। इसी तरह से करके इसको ऐसे इसको बना लेंगे। तो ये पोम पोम हमारा बन के तैयार है। अब देखिए इसके सेंटर में यहां से अंदर की तरफ से सुई डाल लेंगे और इसके बिल्कुल सेंटर में से सुई बाहर की तरफ निकाल लेंगे। यहां से और अब देखिए इस पोम पोम को अटैच करेंगे यहां पे। यहां पे इसको अटैच करके लगा देंगे। दो से तीन बार निकाल लेंगे सुई को और इसको टाइट से लगाएंगे। इस तरह से इसको यहाँ पे अटैच करेंगे। तो ये पोम पोम हमारा अटैच हो गया है और बहुत ही प्यारा सा लगा है कैप के ऊपर। तो देखिए बहुत ही प्यारे से इस तरह से हमारी ये बेबी कैप बन के आई है। टू कलर में है, बहुत ही प्यारा सा डिजाइन डाला है और बेबी सेट के साथ मैंने इसको बुना है। एक साल से लेके दो ढाई साल तीन साल के बच्चे को आराम से आएगी।
तो अगर आपको मेरी ये बेबी कैप पसंद आई हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिए, चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और कमेंट सेक्शन में बताएगा कि आपको हमारा ये डिज़ाइन कैसा लगा और मेरा बताने का तरीका आपको कैसा लगा। थैंक यू।